गुजरों के राजा नहीं थे, ये भारत के इतिहास में गुजर प्रतिहार काल वंश, ये वो वंश था जिसमें भारत चिड़िया कहलाता था, वो गुजरों का समय था, वो प्रतिहार काल जो 600 वर्षों तक बाहर से हमलावर इनकी तलवारों के डर से घुस नहीं पाए थे, वो सनातन धर्म रक्षक, वो हिंदू राजा आज उस सनातन धर्म के नाम पर राजा है। क्या हमारे गुजर सम्राट कैथल में कहे थे, कहीं नोएडा में काली पोती जा रही है, प्रधानमंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, वो प्रधानमंत्री चुप है जो ने दो दो मूर्ति गुजर सम्राट की अपने हाथों से नोएडा और अक्षरधाम में लगाई, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तीन तीन मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से थे उत्तराखंड के अंदर मूर्ति लगवाई, योगी जी ने मूर्ति मेरठ में लगवाई, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में लगवाई, फिर भी सबूत चाहिए। अरे जितने इतिहासकार थे, चाहे रमेश चंद मजूमदार हो, जिन्होंने गुर्जर सम्राट मीर बोची के पोते महेंद्र पाल को धाड़ता गुर्जर अपने उन्होंने इतिहास में लिखा, चाहे कवि हमारे राजशेखर हो जिन्होंने ये कहा छठी से सात बारहवीं शताब्दी तक अरब शासकों के सबसे बड़े बाधक इस देश के गुर्जर थे, चाहे कश्मीरी कली कल्लण हो, चाहे हमारा जो कन्नड़ कवि पंप हो, चाहे हमारा बाण भट्ट जिन्होंने लिखी बाण भट्ट ने हर चरित्रों हर जगह गुर्जर सम्राटों का उल्लेख किया गया है। अरे अभिलेखों में चाहे साजन का तामपत्र हो, चाहे माने का तामपत्र हो, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, भाई शाम तो जाग ले, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, चाहे रागन कुंड अभिलेख हो, चाहे देवली यानी कि अभिलेख हो, उनमें सब में स्पष्ट गुर्जर लिखा हुआ है। चाहे हमारे जितने पत्थर के शिलालेख हैं, जिनके जिन पर पत्थरों पर लिखा जाता था बादाम स्तंभ लेख, सिरूर का अभिलेख, सब पे गुर्जर लिखा हुआ है। अरे तो और गुर्जर राजाओं की जिनसे युद्ध होते थे, बंगाल के पूर्व शासक दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक कहते थे कि हमारे गुर्जरों से कन्नौज की राज्य को लेकर संघर्ष हो रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए भैया जी, और क्या क्या चाहिए। मूर्ति नोएडा में 1942 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब गुर्जर सम्राट की मीर बोजी गुर्जर समाज ने 1942 में लगा दी थी नोएडा में। आप दो दिन से इसे विवादित करना चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, संतन यदि एक हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। हमें अपने समाज को शिक्षा में भी मजबूत बनाना है, हमें अपने समाज को सामाजिक संगठन भी मजबूत बनाना है, हमें राजनीति में भी अच्छे लोगों को, सुरेश भाई जैसे लोगों को जो समाज के लिए समर्पण हो, कपिल भाई जैसे, लोकेंद्र भाई, रामप्रीत, भूपेंद्र सरपंच, सोनू भाई, हमारे ऐसे भाइयों को आगे भेजो, हमारा राकेश रमित जैसे भाइयों को आगे भेजो जो बन के समाज का काम करे, ना कि अपना पेट ना भरे। मेरे भाइयों लास्ट में, क्योंकि ज्यादा बात हो गई, जितनी कुर्बानी समाज ने दी, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, खून पानी की तरह बहाया, लेकिन समाज के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया, देश के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम हमारे पे पूरी जाति को अपराधी जाति बना के अंग्रेज 1872 में हमने सर कटाए, शहादत दे दी, मैं कहना चाहता हूं कि इल्जाम लगे तो लग जाए, अरे इल्जाम लगे तो लग जाए, हम सच कहने के आदि है, और यदि सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं, हम बागी हैं। बागी हमारे साथियों को भी बोलना था, दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि लग जाए आग पानी में, लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और ये इतिहास चोर याद रखे ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो, हमें लोकतंत्र है, हमें बगावत करनी है वोटों से, समझ गए ना, लोकतंत्र है, लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, आपको वोटों से बगावत करनी है, अपनी नाराजगी, अपनी सहमति, जिन लोगों ने आपके सामने रोड़ा अटकाए हैं, अपनी वोट उनके खिलाफ डाल देना, और जो समाज का बूथ हो, जो समाज के लिए मरता हो, उसे जिता के विधानसभा लोकसभा में भेज देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, यदि आप मेरे पीछे खड़े हो जाओगे तो समाज की हर लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, समाज का सम्मान भी बचेगा, समाज का इतिहास भी बचेगा, समाज का आरक्षण भी बचेगा, ना समाज को झुकने दूंगा, ना समाज को पिटने दूंगा, और आपके लिए पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में गुजर गुजर होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए देवनारायण भगवान की। Yeah!
साथियों, लोकेंद्र गुर्जर मध्य प्रदेश से, मेरा सभी झालावाड़ के साथियों को राम राम बोलते हैं। और आज झालावाड़ में जो आप लोगों ने जो गुर्जर गुर्जर कर दिया, एक बार बोल लो, यदि मेरे किसी भाई पे मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया तो लाखों गुर्जर फिर यही आएगा झालावाड़ में और जेलें छोटी पड़ जाएंगी। हम गिरफ्तारी सबसे पहले देंगे जो यहाँ लाइन में खड़े हैं और अपने समाज पे आँच नहीं आने देंगे। भाई साहब, सबूतों की बात करते हैं, सबूत बताता हूँ मैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का प्रोग्राम है। गुर्जर सम्राट मीर भोज केवल गुर्जरों के राजा नहीं थे, ये भारत के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार काल वंश, ये वो वंश था जिसमें भारत इचटिया कहलाता था। वो गुर्जरों का समय था, वो प्रतिहार काल जो 600 वर्षों तक बाहर से हमलावर इनकी तलवारों के डर से घुस नहीं पाए थे, वो सनातन धर्म रक्षक, वो हिंदू राजा आज उस सनातन धर्म के नाम पर रक्षक है। क्या हमारे गुर्जर सम्राट केथल में कहे थे, कहीं नोएडा में काली पोती जा रही है, प्रधानमंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, वो प्रधानमंत्री चुप है जो ने दो दो मूर्ति गुर्जर सम्राट की अपने हाथों से नोएडा अक्षरधाम में लगाई, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तीन तीन मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से थे, उत्तराखंड के अंदर मूर्ति लगवाई, योगी जी ने मूर्ति मेरठ में लगवाई, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में लगवाई, फिर भी सबूत चाहिए। अरे जितने इतिहासकार थे, चाहे रमेश चंद मजूमदार हो, जिन्होंने गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के पोते महेंद्र भाईपाल को धाड़ता गुर्जर अपने, उन्होंने इतिहास में लिखा, चाहे कवि हमारे राजशेखर हो, जिन्होंने ये कहा छठी से सात बारहवीं शताब्दी तक अरब शासकों के सबसे बड़े बाधक इस देश के गुर्जर थे, चाहे कश्मीरी कलि कल्लण हो, चाहे हमारा जो कन्नड़ कवि पंप हो, चाहे हमारा बाण भट्ट जिन्होंने लिखी, बाण भट्ट ने हर चरित्रों हर जगह गुर्जर सम्राटों का उल्लेख किया गया है। अरे अभिलेखों में चाहे साजन का तामपत्र हो, चाहे माने का तामपत्र हो, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, भाई शाम तो जागरण, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, चाहे रागनकुंड अभिलेख हो, चाहे देवली यानी कि अभिलेख हो, उनमें सब में स्पष्ट गुर्जर लिखा हुआ है। चाहे हमारे जितने पत्थर के शिलालेख हैं, जिनके जिन पर पत्थरों पर लिखा जाता था, बादाम स्तंभ लेख, सिरूर का अभिलेख, सब पे गुर्जर लिखा हुआ है। अरे तो और गुर्जर राजाओं की जिनसे युद्ध होते थे, बंगाल के पूर्व शासक दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक कहते थे कि हमारे गुर्जरों से कन्नौज की राज्य को लेकर संघर्ष हो रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए भैया जी, और क्या क्या चाहिए। मूर्ति नोएडा में 1942 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब गुर्जर सम्राट की मीर भोजी गुर्जर समाज ने 1942 में लगा दी थी नोएडा में। आप दो दिन से इसे विवादित करना चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, संगठन यदि एक हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। हमें अपने समाज को शिक्षा में भी मजबूत बनाना है, हमें अपने समाज को सामाजिक संगठन भी मजबूत बनाना है, हमें राजनीति में भी अच्छे लोगों को, सुरेश भाई जैसे लोगों को जो समाज के लिए समर्पण हो, कपिल भाई जैसे, लोकेंद्र भाई, रामप्रीत, भूपेंद्र सरपंच, सोनू भाई, हमारे ऐसे भाइयों को आगे भेजो, हमारा राकेश रमित जैसे भाइयों को आगे भेजो जो बनके समाज का काम करे, ना कि अपना पेट ना भरे। मेरे भाइयों, लास्ट में क्योंकि ज्यादा बात हो गई, जितनी कुर्बानी समाज ने दी, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, खून पानी की तरह बहाया, लेकिन समाज के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया, देश के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि
यदि हम हमारे पे पूरी जाति को अपराधी जाति बना गए अंग्रेज 1872 में, हमने सर कटाए शहादत दे दी। मैं कहना चाहता हूँ कि इल्जाम लगे तो लग जाए, अरे इल्जाम लगे तो लग जाए, हम सच कहने के आदी हैं, और यदि सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं, हम बागी हैं। बागी हमारे साथियों को भी बोलना था, दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि लग जाए आग पानी में, लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और ये इतिहास चोर याद रखे ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। हमें लोकतंत्र है, हमें बगावत करनी है वोटों से, समझ गए ना, लोकतंत्र है, लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, आपको वोटों से बगावत करनी है, अपनी नाराजगी, अपनी सहमति, जिन लोगों ने आपके सामने रोड़ा अटकाए हैं अपनी वोट उनके खिलाफ डाल देना, और जो समाज का बूथ हो, जो समाज के लिए मरता हो, उसे जिता के विधानसभा लोकसभा में भेज देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, यदि आप मेरे पीछे खड़े हो जाओगे तो समाज की हर लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, समाज का सम्मान भी बचेगा, समाज का इतिहास भी बचेगा, समाज का आरक्षण भी बचेगा। ना समाज को झुकने दूंगा, ना समाज को पिटने दूंगा, और आपके लिए पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में गुजर गुजर होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए साथियों। लोकेंद्र गुर्जर मध्य प्रदेश से, मेरा सभी झालावाड़ के साथियों को राम राम बोलिए। और आज झालावाड़ में जो आप लोगों ने जो गुर्जर गुर्जर कर दिया, एक बार बोल दो, यदि मेरे किसी भाई पे मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया तो लाखों गुर्जर फिर यही आएगा झालावाड़ में, और जेलें छोटी पड़ जाएंगी। हम गिरफ्तारी सबसे पहले देंगे जो यहाँ लाइन में खड़े हैं, और अपने समाज पे आंच नहीं आने देंगे। भाई साहब सबूतों की बात करते हैं, सबूत बताता हूं मैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का प्रोग्राम है। गुर्जर सम्राट मीर भोज केवल गुर्जरों के राजा नहीं थे, ये भारत के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार काल वंश, ये वो वंश था जिसमें भारत किचकिया कहलाता था, वो गुर्जरों का समय था, वो प्रतिहार काल जो 600 वर्षों तक बाहर से हमलावर इनकी तलवारों के डर से घुस नहीं पाए थे, वो सनातन धर्म रक्षक, वो हिंदू राजा, आज उस सनातन धर्म के नाम पर राजा है। क्या हमारे गुर्जर सम्राट कैथल में कहे थे, कहीं नोएडा में काली पोती जा रही है, प्रधानमंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, वो प्रधानमंत्री चुप है जो ने दो दो मूर्ति गुर्जर सम्राट की अपने हाथों से नोएडा और अक्षरधाम में लगाई, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तीन तीन मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से थे, उत्तराखंड के अंदर मूर्ति लगवाई, योगी जी ने मूर्ति मेरठ में लगवाई, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में लगवाई, फिर भी सबूत चाहिए। अरे जितने इतिहासकार थे, चाहे रमेश चंद मजूमदार हो, जिन्होंने गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के पोते महेंद्र पाल को धाड़ता गुर्जर अपने उन्होंने इतिहास में लिखा, चाहे कवि हमारे राजशेखर हो जिन्होंने ये कहा छठी से सात बारहवीं शताब्दी तक अरब शासकों के सबसे बड़े बाधक इस देश के गुर्जर थे, चाहे कश्मीरी कली कल्लन हो, चाहे हमारा जो कन्नड़ कवि पंप हो, चाहे हमारा बाण भट्ट जिन्होंने लिखी बाण भट्ट ने हर चरित्रों हर जगह गुर्जर सम्राटों का उल्लेख किया गया है। अरे अभिलेखों में चाहे साजन का काम पत्र हो, चाहे माने का काम पत्र हो, चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, भाई शाम तो जागरण
चाहे ग्वालियर अभिलेख हो, चाहे रागनकुंड अभिलेख हो, चाहे देवली यानी अभिलेख हो, उनमें सब में स्पष्ट गुजर लिखा हुआ है। चाहे हमारे जितने पत्थर के शिलालेख हैं, जिनके जिन पर पत्थरों पे लिखा जाता था बादाम स्तंभ लेख, सिरूर का अभिलेख, सब पे गुजर लिखा हुआ है। अरे तो और गुजर राजाओं की जिनसे युद्ध होते थे, बंगाल के पूर्व शासक, दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक कहते थे कि हमारे गुजरों से कन्नौज की राज्य को लेकर संघर्ष हो रहे हैं। और क्या सबूत चाहिए भैया जी, और क्या क्या चाहिए? मूर्ति नोएडा में 1942 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब गुजर सम्राट की मीर भोजी गुजर समाज ने 1942 में लगा दी थी नोएडा में। आप दो दिन से इसे विवादित करना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, संगठन यदि एक हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। हमें अपने समाज को शिक्षा में भी मजबूत बनाना है, हमें अपने समाज को सामाजिक संगठन भी मजबूत बनाना है, हमें राजनीति में भी अच्छे लोगों को, सुरेश भाई जैसे लोगों को जो समाज के लिए समर्पण हो, कपिल भाई जैसे, लोकेंद्र भाई, रामप्रीत, भूपेंद्र सरपंच, सोनू भाई, हमारे ऐसे भाइयों को आगे भेजो, हमारा राकेश रमित जैसे भाइयों को आगे भेजो जो बनके समाज का काम करे, ना कि अपना पेट ना भरे। मेरे भाइयों लास्ट में क्योंकि ज्यादा बात हो गई, जितनी कुर्बानी समाज ने दी, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, खून पानी की तरह बहाया, लेकिन समाज के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया, देश के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम हमारे पे पूरी जाति को अपराधी जाति बना के अंग्रेज 1872 में हमने सर कटाए, शहादत दे दी, मैं कहना चाहता हूं कि इल्जाम लगे तो लग जाए। अरे इल्जाम लगे तो लग जाए, हम सच कहने के आदि हैं, और यदि सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं, हम बागी हैं। बागी हमारे साथियों को भी बोलना था, दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि लग जाए।